रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर बड़ा ही अटपटा बयान दिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स खाओ, सोल्यूशन सूंघो, जितनी फिजूल खर्ची करना हो करो, लेकिन जीने के लिए जल कर देना ही पड़ेगा। रीवा में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और संवर्धन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बड़ा ही अजीब बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन की छूट दे दी। मिश्रा ने कहा, कोई भी नशा करो, लेकिन सभी खर्चों में कटौती करके जल कर जरूर देना चाहिए। हमें पानी की उपयोगिता समझनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा, बिजली बिल माफ हो सकता है, मुफ्त में राशन भी ले लो। सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देती हैं, अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो नहीं मानना। जनार्दन यही पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स खाओ और चाहे थिनर सूंघो, लेकिन पानी के लिए टैक्स देना पड़ेगा। सभी खर्चों में कटौती करके सभी को जल कर देना चाहिए। जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो पानी रही नहीं ना अपने गले में। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी, और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी के नहीं है पैसा लागी, या पे मकाम अरे जब पैसा लागे लागत जब उन्हें काम में तो उन्हें फिर लागत की नहीं है, वही घर कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेशन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जऊ करे हो तऊ करी। मिश्रा ने कहा, कोई सरकार कहे कि पानी के टैक्स माफ करेंगे, लेकिन हमको पानी का टैक्स देना चाहिए, क्योंकि जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में पानी की उपयोगिता समझनी होगी। नदी नाले सब सूख रहे हैं, धरती में पानी नहीं बचा है, वाटर लेवल घट रहा है, हम लोग पानी की फिजूल खर्चे कर रहे हैं। हर व्यक्ति को घर में साफ पीने का पानी मिले, इसके लिए सरकार ने हर घर जल योजना बनाई है, इसमें सहयोग जरूरी है। जल समितियों का गठन कर वाटर टैक्स का भुगतान करना चाहिए, तभी योजना सफल होगी। हालांकि मिश्रा ने बातें गलत नहीं की, लेकिन उदाहरण और तर्क देते समय वे चूक कर बैठते हैं। पानी के टैक्स कौन सरकार का है कि हम पानी के टैक्स माफ कर, तो अपना कही कि नहीं हम पानी के टैक्स सब है बाकी अब तुम माफ करते हो, माफ करा ना करते हो ना करा, इतना या जरूरी काम है। वो अगर केवल लापरवाही हुई तो भविष्य बहुत बुरा है। अबे बताइए प्रोफेसर साहब भाषण दे आए, उन सब जानकारी दे ही अपना का कितना संकट है पानी के, कितना नदी नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ये नहीं है पानी के नाम पर। जाऊ ना तो उन ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचन लागा, जाऊ 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा, वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।